और रियल एस्टेट में कई प्रोजेक्ट चला रहे भूटानी ग्रुप ने अब वेलनेस को लेकर एक नई शुरुआत की है। भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नोएडा सेक्टर 150 सिटी सेंटर के पास भूटानी वेलनेस की शुरुआत की है, जहां युवाओं का यंग और फिट दिखने का सपना पूरा हो सकेगा। भूटानी वेलनेस ने सुविधाओं के साथ कई खास ऑफर भी लॉन्च किए हैं। भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने बताया कि यहां वेलनेस से जुड़ी ए से लेकर जेड तक सुविधा किफायती दामों पर मिलेगी। जनतंत्र टीवी संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए। रियल एस्टेट एक ऐसा कारोबार जिसमें आज हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, लेकिन बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सफल हो पाते हैं और साथ ही बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं। आज ऐसे ही एक खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद है, भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी जी। आशीष भूटानी जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में, और साथ ही जनतंत्र टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने ठीक कहा, बहुत लोग हैं जो रियल एस्टेट में अपना लक आजमाना चाहते हैं, बट रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लक का रोल बहुत ही कम रहता है। वेरी ऑनेस्टली, आज जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक रीज़न है कि रियल एस्टेट के आगे ही रियल लगा हुआ है। बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, आप उनको छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। आपने अगर सोना लिया तो वो चोरी हो सकता है, आपने शेयर मार्केट में कुछ लिया तो बहुत आपने देखा भी होगा, कई डेकेड से कई सालों से जो प्रथा चलती आ रही है, कुछ शेयर जीरो हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, वो एक जुआ है, तभी उसे सट्टा बाजार कहते हैं। रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है, कभी सुना है कि प्रॉपर्टी जीरो हो गई? नहीं। आपने जब एक प्रॉपर्टी ली, आज नहीं तो कल नहीं तो दो साल में नहीं तो चार साल में, उसने बढ़ते ही चले जाना है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है और लैंड बहुत ही कम है। हमेशा जो पर कैपिटा के हिसाब से लैंड है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यूएस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन बढ़ते चले जानी है, लैंड और प्रोड्यूस हो नहीं सकती। रेट हमेशा, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली एनसीआर, स्पेशली नोएडा, ऐसी जगहों पे हमेशा रेट बढ़ते ही चले जाएंगे। आज आपका बर्थडे है, एक खास मौका है, तो इस खास मौके पर आपके कस्टमर्स के लिए क्या कुछ खास रहेगा? आज हमने स्पेशल अपना जो 150 में हमारा प्रोजेक्ट है सिटी सेंटर, उसमें हमने एक स्पेशल चीज निकाली है, इट इज कॉल्ड भूटानी वेलनेस। आज बहुत से लोग हैं जो यंग दिखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी फिटर, ट्रीटमेंट्स कराना चाहते हैं, बट नोएडा के अंदर ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहाँ पे ये सब अवेलेबल हो। हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम एक पूरा स्पेशल डेडिकेटेड पूरा फ्लोर लेके आ रहे हैं, जिसमें फ्रॉम ए टू जेड एवरी थिंग अबाउट वेलनेस, अबाउट बींग यूथ एक्सेंट्रिक, एवरी थिंग विल बी देयर। और आज हमने जो उसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए, दैट इज 19,990, जबकि वहाँ का जो प्राइस चल रहा है उस मार्केट का, वो 25,000 से कम नहीं है। तो ये केवल हमने 10 दिनों के लिए, जस्ट फॉर माय बर्थडे टुडे वी हैव लॉन्च्ड दिस स्कीम फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, तो इसका फायदा लेने के लिए कस्टमर कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कि कोरोना काफी ज्यादा पीक पर पहुंच गया है और लोग एक्चुअली जुड़ने से काफी ज्यादा बचते नजर आते हैं, तो क्या आप भी डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं? डिजिटल एक ऐसी चीज़ है, जो इंसान डिजिटल की तरफ नहीं बढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमने पूरा का पूरा वर्चुअल एक विजिट रखी हुई है, साइट विजिट रखी हुई है। 150 अपने आप में ही बहुत अच्छा सेक्टर है, सबको जो भी नोएडा आते हैं उन सबको सेक्टर 150 के बारे में ऑलरेडी पता रहता है। तो आशीष जी, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से जनतंत्र टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में आशीष जी, जिन्होंने कहा कि रियल एस्टेट एक ऐसा कारोबार है जिसमें हार्डवर्क बेहद ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन सुमित के साथ में अमनदीप, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, Available on Google Play and App Store. Download it now.